खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कल श्रीलंका में सीरियल बम धमाकों में 3 भारतीयों समेत 250 से ज्यादा की मौत हो गई थी और 500 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके बताया कि कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने 3 भारतीयों की मौत की जानकारी दी है। मृतकों के नाम लक्ष्मी, नारायण चंद्रशेखर और रमेश है। मारे गए लोगों में 35 से ज्यादा विदेशी नागरिक भी शामिल हैं और अब तक किसी आतंकी संगठन या समूह ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। सिनेमन ग्रैंड होटल में धमाके से पहले मोहम्मद आजम मोहम्मद नाम का आत्मघाती हमलावर ईस्टर के नाश्ते के लिए बुफे की लाइन में लगा था, होटल प्रबंधन ने दी जानकारी। श्रीलंका के कोलंबो में भंडारनायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मिला बम, बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। पीएम मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में भारत श्रीलंका के साथ है। पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से फोन पर बात भी की। बाड़मेर की रैली में पाकिस्तान को पीएम मोदी की बड़ी चेतावनी, कहा हमने परमाणु बम दिवाली के लिए नहीं बचा कर रखे। एमपी के सतना की रैली में राजनाथ सिंह ने किया सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र, कहा लाशें वीर नहीं बल्कि गिद्ध गिनते हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में सीएम योगी ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा दूसरे देश में जाकर आतंकवाद से निपटने का काम सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की सरकार को नसीहत, कहा रिश्तों में सुधार के लिए पाकिस्तान के प्रति रुख में बदलाव जरूरी। पाकिस्तान ने 100 और भारतीय मछुआरों को रिहा किया, गलती से समुद्री सीमा को पार कर गए थे मछुआरे। पाकिस्तान से हिंदू तीर्थयात्रियों का एक समूह हरिद्वार में पूजा के लिए पहुंचा।